हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ जरबेरा यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। पिछले वीडियो में हमने रोज़ का कल्टीवेशन देखा था और अब हमारा जरबेरा है। तो जरबेरा क्या है? जरबेरा एक पेरिनियल हर्ब है, मतलब ये फ्लावर है एक, जिसकी पत्तियाँ बहुत डीपली लोब्ड होती हैं और ये बहुत ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। ये जरबेरा की जो प्लांट है वो ओरिजिनली साउथ अफ्रीका में पाया गया था और हम इसका, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत इनके फ्लावर होते हैं, इसीलिए हम इनका कॉमर्शियल कल्टीवेशन भी करते हैं एक ब्रॉड लेवल पे। तो जरबेरा के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। कि जरबेरा इज़ अ पेरेनियल हर्ब विद डीपली लोब्ड लीव्स एंड ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स। डीपली लोब्ड लीव्स होती हैं, इनकी पत्तियाँ डीपली लोब्ड होती हैं और इनके जो पेटल्स होते हैं, फ्लावर होता है, वो बहुत ब्राइट कलर के होते हैं। एंड दीज आर नेटिव टू साउथ अफ्रीका। नेटिव मतलब ये ओरिजिनली साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, वहीं से उनका कह सकते हैं कि जन्म हुआ है। ठीक, जरबेरा का बोटैनिकल नेम होता है जरबेरा जेमिसोनाई और कॉमन नेम होता है, कई सारे इसके कॉमन नेम है जैसे जरबेरा डेजी, ट्रांसवॉल डेजी, बर्बेटोन डेजी, ये सब जरबेरा के कॉमन नेम है। अब हम, क्योंकि हमें देखना है कल्टीवेशन, तो हम देखते हैं कि कैसे हम कल्टीवेट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब किन किन तरीक़ों से हम जरबेरा को ग्रो करा सकते हैं। तो जरबेरा को देखिए, हम तीन तरीक़ों से ग्रो करा सकते हैं, एक तो सीड से, दूसरा सीडलिंग से और तीसरा डिवीज़न से। सीड तो समझ में आ रहा है, बीज है। सीडलिंग क्या होता है कि मान लीजिए पहले हम किसी नर्सरी में या सीड बेड लगाकर हम पहले उसमें बीज डालेंगे और जब थोड़े से वो बड़े हो जाते हैं, स्प्राउटिंग हो जाती है उनकी, तो जब वो पौधा बन जाते हैं तो हम निकाल के जहाँ भी कल्टीवेट करना है कल्टीवेट करते हैं, तो हम उसे सीडलिंग कहते हैं। और डिवीज़न से यहाँ मतलब है कि हम कोई जरबेरा का पुराना प्लांट है उसका कोई पार्ट हम निकाल के ग्रो कराएंगे, मान लीजिए स्टेम ले रहे हैं तो उससे कराएंगे। तो इन तीन तरीक़ों से हम जरबेरा की प्रोपोगेशन मतलब ग्रोइंग करा सकते हैं। इन तीनों मेथड्स में सबसे ज़्यादा यूज़ सीड का किया जाता है, सीड वाला मेथड का, यही सबसे आइडियल होता है। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि मान लीजिए जैसे ही हमने सीड का पैकेट खोला, हमें तुरंत ही उसको लगा देना है, या तो जिस पॉट में या कंटेनर में, जिस चीज़ में पहले हम लगा रहे हैं उसमें हमें डाल देना है। क्यों? क्योंकि वो जब बाहर खुलेगा ना तो वो तुरंत ख़राब हो जाएगा, और जब ख़राब हो जाएगा उसकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ग्रो करने का क्या मतलब, वो ख़राब होगा तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम सीड को तुरंत ही ग्रो कर देते हैं। तो देखिए क्या है कि ग्रोइंग जरबेरा डेजी प्लांट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय वेरियस मीन्स लाइक सीड, सीडलिंग और डिवीज़न। मतलब जरबेरा प्लांट को जो ग्रोइंग करानी है, हमें कल्टीवेशन करना है, तो हम सीड, सीडलिंग या डिवीज़न मेथड से कर सकते हैं। द सीड इज़ चीपेस्ट एंड आइडियल मेथड। जो हमारा सीड वाला मेथड है वो सबसे चीपेस्ट है, मतलब सस्ता है और आइडियल मेथड है। बट सीड मस्ट बी सोन इमीडिएटली एज दे लूज वायबिलिटी रैपिडली आफ्टर ओपनिंग। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि सीड्स को तुरंत ही हमें ग्रो करा देना है, उसमें लगा देना है, नहीं तो वो ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्ट यह है कि सीडलिंग और डिवाइडेड प्लांट इज़ ऑल्सो यूज। सीडलिंग और डिवाइडेड प्लांट का भी यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या बात हमें रखनी है कि जब हम ये ले रहे हैं सीड, डिवाइडेड प्लांट मतलब कोई पुराना जरबेरा का प्लांट था उसमें का हम कोई पार्ट ले रहे हैं, स्टेम ले रहे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, जो उसकी लोअर पत्तियाँ हैं, मान लीजिए नीचे की पत्तियाँ, मान लीजिए स्टेम है हमारा, यहाँ पर पत्तियाँ लगी हुई हैं, तो उसको हम हटा देंगे, ठीक, और उसके बाद रीप्लांट कर देंगे। तो इफ टेकन ओल्डर हेल्थी फ्लावर, मतलब बढ़िया फ्लावर लेंगे, प्लांट इज इट्स लोअर लीव्स आर रिमूव्ड एंड रीप्लांटेड इमीडिएटली, उसको भी हम तुरंत लगा देंगे, ठीक। अब स्टेप्स क्या क्या हैं? तो स्टेप्स हम सीड के जैसे ग्रो कराते हैं, सीड की मदद से हम उसका स्टेप देखेंगे, क्योंकि ये सबसे कॉमन है और आइडियल मेथड है, ठीक। तो हम क्या करते हैं सीड को ग्रो कराने के लिए, पहले कि हम क्या करते हैं, पहले एक ट्रे लेते हैं या फिर कंटेनर या पॉट कुछ भी लेंगे, हम उसमें अपना ग्रोइंग मीडियम तैयार करेंगे। ग्रोइंग मीडियम कैसे तैयार करते हैं, देखिए हम ग्रोइंग मीडियम, क्योंकि हम हाइड्रोपोनिक्स का यूज़ करते हैं, तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोपोनिक मतलब हम पानी पहले यूज़ करते हैं, हमारे पानी में न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। लेकिन उससे पहले हम जरबेरा की कल्टीवेशन के लिए क्या करते हैं कि कोई मान लीजिए हमने कंटेनर लिया, ट्रे लिया, उसमें हम कुछ मीडियम डालते हैं ताकि सीड हमारा ग्रो कर सके, तो हम उसमें कोको कोयर, परलाइट या वर्मिक्यूलेट, ये सारी चीज़ें डालते हैं उनकी ग्रोथ के मीडियम के लिए। ये परलाइट और वर्मिक्यूलेट क्या होता है, ये जो हमारा वर्मिक्यूलेट होता है ये स्पॉन्जी मटेरियल होता है जो कि हमारे प्लांट को एक ग्रोइंग मीडियम तैयार कर देता है उसको ग्रो करने के लिए। तो हमने मान लीजिए हमने तैयार कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं हम कि मान लीजिए हमारी ये लेयर है, हमने ये सब कोको कोयर डाला, परलाइट डाला, उसमें हम क्या करते हैं होल कर देते हैं जगह जगह पे, मतलब थोड़ा सा जगह बना देते हैं, उसमें अपना सीड डालते हैं, ढक देंगे, ढक देने के बाद हम प्लास्टिक कवर चढ़ा देते हैं, लगा देते हैं, मतलब ऐसे कि वो ख़राब ना हो, उस पर इन्फेक्शन ना हो,
और उसके बाद 2-3 हफ्तों बाद क्या होता है ना कि उसमें स्प्राउटिंग होने लगती है, मतलब उस वो ग्रो करने लगता है। ग्रो करता है तो प्लास्टिक कवर हटा देते हैं हम। हटाने के बाद क्या करते हैं, अब हम उसको किसी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें हमने उसमें पानी डाला है, उसमें अपना न्यूट्रिएंट मीडियम डाला है और फिर हमने उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र भी कैसे करते हैं, आपको याद है कि रोज़ वाले में जब हमने पढ़ा था, मान लीजिए कोई थर्मोकोल का ऐसे बेस लेंगे, हमारा कंटेनर इतने साइज़ का, उसमें ऐसे छेद कर देंगे और उसमें डाल देंगे। ये तो हमने रोज़ के लिए सीखा था। इसमें हम क्या करेंगे, NFT सिस्टम याद है आपको, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, वो पहले से एक पूरा तैयार किया हुआ एक कह सकते हैं कंटेनर होता है या मीडियम होता है जिसमें पानी होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, हम सीधा अपना प्लांट जाकर उस पर रख देंगे, वो ग्रो करता है। ठीक, तो यही सब स्टेप इसमें फॉलो होती है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा, फिल ग्रो ट्रेस और पॉट्स विद ग्रो मीडियम लाइक कोको कोय परलाइट वर्मिक्यूलाइट। ये बोला ग्रो ट्रेस मतलब जिसमें हम ग्रो कराना चाहते हैं, या पॉट जो भी ले रहे हैं उसमें हम ग्रो मीडियम को अपना डालेंगे, जैसे कोको कोय डालेंगे, परलाइट डालेंगे, वर्मिक्यूलाइट डालेंगे फिर। ठीक, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, प्लांट सीड्स बाय यूजिंग अ टूथपिक टू पोक अ होल इन ग्रोइंग मीडियम। फिर हम क्या करेंगे, अपने सीड को प्लांट करेंगे, कैसे ग्रोइंग मीडियम है, हम एक पोक कर देंगे टूथपिक की हेल्प से, जगह बना देंगे। होल का मतलब यहाँ पे है कि जगह बना देंगे, हम उसमें अपना सीड डाल देंगे। ठीक, थर्ड हम क्या करते हैं कि द ग्रोइंग मीडिया शुड बी मॉइस्ट एंड जर्मिनेशन टेम्परेचर शुड बी अवर 21 डिग्री सेल्सियस। ये बात है कि हमारी जो ग्रोइंग मीडिया है वो थोड़ी नमी वाली रहनी चाहिए और टेम्परेचर जो उसका है 21 डिग्री से ऊपर ही रहना चाहिए, विथ 8 और मोर आवर्स ऑफ ब्राइट लाइट एवरी डे, और 8 घंटों से ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट उसको मिलनी चाहिए रोज़। ठीक, तभी वो ग्रो कर पाएगा अच्छे से। पुट अ प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक कवर लगाएंगे। आफ्टर 2 to 3 weeks द जर्बेरा सीड विल स्प्राउट, रिमूव द प्लास्टिक कवर। 2-3 हफ्तों बाद वो जर्बेरा की जो सीड है वो स्प्राउट कर देगा, ग्रो करेगा, तब हमें क्या करना है, प्लास्टिक कवर हटा देना है। After the Gerbera, daisy seedlings have developed two leaves, transplant the plant to destined hydroponic system. उसके बाद जब जर्बेरा की मान पत्तियाँ आने लगेंगी, वो ग्रो करने लगेगा, तो हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, हम ऐसा क्यों करें, डायरेक्टली पानी में हम क्यों नहीं करवा दे रहे हैं, क्योंकि हमें एक बेस तैयार करना है पहले। ठीक, इसीलिए हम पहले वर्म अपना मीडियम में ग्रो करेंगे। हमने रोज़ वाले कल्टीवेशन में भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक, हम पहले एक मीडियम तैयार कर लेंगे, उसके बाद अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रिक्वायर। जो हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना रहे हैं पानी में, तो उसका क्या क्या ज़रूरतें हैं उसमें, तो विद द हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन द ग्रोइंग प्लांट हैज़ अ लिमिटेड सब्सट्रेट वॉल्यूम ऑफ ±3 लीटर। ये बोल रहा है कि जो हमारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम है हमारे, जिसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना प्लांट, तो उसमें कम से कम 3 लीटर तक का पानी तो होना ही चाहिए। ठीक, और गुड वाटर क्वालिटी फ्री ऑफ एक्यूमुलेटेड अनवांटेड एलिमेंट्स इज एसेंशियल। और जो पानी है वो पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें कोई कंटामिनेशन, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। द pH ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन शुड बी बिटवीन 5.4 and 5.8। और जो pH है उसका मेंटेन रहना चाहिए 5.4 और 5.8 के बीच में, मतलब स्लाइटली एसिडिक रहना चाहिए। ठीक, ये तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स है। अब जर्बेरा प्लांट केयर इन हाइड्रोपोनिक्स में क्या एक टॉपिक है कि हम जर्बेरा प्लांट लगा रहे हैं, मान लीजिए हमें हाइड्रोपोनिक सिस्टम NFT में ट्रांसफ़र भी कर दिया, अब हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है, तो उसमें कुछ हमें केयर, उसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे हमें पहला हमारा डिसबडिंग आता है। डिसबडिंग क्या होता है कि हमारी जर्बेरा की जो प्लांट है, मान लीजिए हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करता है तो ऐसे तो 75 से 90 दिनों के अंदर वो फ्लावरिंग करता है, बढ़िया फ्लावरिंग। ठीक, लेकिन वो 45 दिनों के अंदर, मतलब आधा दिन में वो फ्लावर देना शुरू कर देता है, मतलब उसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो फ्लावर्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, वो ख़राब होते हैं, तो हम उन्हें काट देते हैं, हटा देते हैं, उसी को हम डिसबडिंग कहते हैं। तो डिसबडिंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी फ्लावर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लांटेशन इज कॉल्ड डिसबडिंग। जो हम इन्फीरियर क्वालिटी, जो ख़राब क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के फ्लावर नहीं होते हैं, उनको हटाने के जो प्रोसेस है, हम उसी को डिसबडिंग कहते हैं। और इनिशियल स्टेज मतलब क्यों, ऐसे तो 75 से 90 दिनों में होता है, लेकिन वो जो ख़राब, मतलब अच्छे फ्लावर्स नहीं है, वो 45 दिनों में ही आना शुरू हो जाते हैं, वो इनिशियल स्टेज रहते हैं, और तभी हम उन्हें हटा देते हैं, उसी को डिसबडिंग कहते हैं। द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ जर्बेरा प्लांट स्टार्ट आफ्टर 75 to 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्लांटेशन। और जो नॉर्मल प्रोडक्शन होता है वो 75 से 90 दिनों, मतलब लगभग 3 महीनों में शुरू हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स स्टार्ट 40 days आफ्टर प्लांटेशन, बट दिस इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी हैज़ नीडेड टू बी रिमूव।
लेकिन इसमें क्या होता है कि 45 दिनों के बाद ही इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो ख़राब क्वालिटी का होता है, अच्छा नहीं होता है, इसीलिए उनका हटाना ज़रूरी होता है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, ताकि वो प्लांट हेल्थी रहे और बढ़िया से ग्रो कर सके। दूसरा केयर करने की हमें क्या ज़रूरत है, तो रिमूवल ऑफ ओल्ड लीव्स, हमें पुरानी पत्तियों को भी हटाना है, डिजीज पत्तियाँ हो गई हैं या इन्फेक्टेड पत्तियाँ होती हैं तो हमें उसे भी हटा देना चाहिए ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। प्लांट सैनिटेशन हेल्प इन कीपिंग द डिजीज एंड पेस्ट इन्फेक्शन बिलो द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। प्लांट सैनिटेशन मतलब प्लांट की जो सफाई है, जो केयर है, उसमें कोई इन्फेक्शन ना लगे, डिजीज़ ना हो, उसका ध्यान रखना है हमें। द ओल्ड ड्राई इन्फेक्टेड लीव शुड बी सून रिमूव फ्रॉम द प्लांट, जो पत्तियाँ सूख चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, उन्हें जल्दी से जल्द हटा देना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा प्रोपगेशन हो गया, मतलब ग्रोइंग का हमने देख लिया, स्टेप देख लिया, हमने केयर भी देख लिया। अब हार्वेस्टिंग ऑफ गर्बेरा डेजी देखना है हाइड्रोपोनिक्स में, कि हम फूलों को कैसे तोड़ते हैं। तो जैसा कि हमें अभी पता चला कि 75 से 90 दिनों बाद जरबेरा में फ्लावर्स आने लगते हैं, तो क्या है इसमें हम उसको तोड़ देते हैं। ठीक, 75 से 90 दिनों में हम पहला अपना हार्वेस्टिंग करते हैं, और चूँकि पता है जरबेरा की जो फूल होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, इसीलिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एक सिक्योटर इंस्ट्रूमेंट होता है, कैचिनोवा इंस्ट्रूमेंट होता है फूल पत्तियों को काटने के लिए, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करते, हम सिंपल हाथ से ही इसे तोड़ सकते हैं। तो देख लीजिए क्या है इसमें हार्वेस्टिंग में, कि द फर्स्ट फ्लावर में भी हार्वेस्टेड आफ्टर 75 to 90 days आफ्टर इट्स प्लांटिंग। प्लांटिंग के बाद जो पहला फ्लावर तोड़ना है हमें, तो 75 से 90 दिनों बाद हम तोड़ सकते हैं। फ्लावर ऑफ मोस्ट ऑफ द वेराइटीज आर रेडी टू बी पिक्ड व्हेन 2-3 holes ऑफ स्टेमेंट है फुली डेवलप। ये बोल रहा है कि जरबेरा की कई सारी वेराइटीज़ हैं, तो उसमें से ज़्यादातर वेराइटीज़ को हमें फ्लावर कब तोड़ते हैं, हम उसमें जब स्टेमेंस का 2-3 होल पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, तब हम उसमें से फूलों को तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द आइडियल जरबेरा फ्लावर हैज अ स्टॉक लेंथ ऑफ 45 to 55 centimeters एंड द डायमीटर ऑफ फ्लावर इज अबाउट 10 to 12 centimeters। जो एक आइडियल जरबेरा का फ्लावर होता है, एक बढ़िया फ्लावर होता है, उसकी स्टॉक जो डंठल होती है वो 45 से 55 centimeters तक की हो सकती है, होती है, और डायमीटर 10 से 12 centimeters हो सकता है फ्लावर का। मॉर्निंग और इवनिंग इज द आइडियल टाइम फॉर जरबेरा फ्लावर हार्वेस्टिंग। सुबह एकदम या शाम को फूलों जरबेरा की फूलों को तोड़ने का सबसे बढ़िया समय होता है। और आफ्टर हार्वेस्टिंग द फ्लावर शुड बी केप्ड इन अ बकेट हैविंग क्लीन वाटर। हार्वेस्टिंग के बाद जैसे ही हमने फूल तोड़ा, हम उसको एक बकेट में रख देंगे जिसमें साफ पानी होगा। क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारा फूल फ्रेश रहे, ख़राब ना हो। फॉर जरबेरा हार्वेस्टिंग नो सिक्योटर्स आर रिक्वायर्ड एंड इट कैन बी डन सिंपली बाई नेकेड हैंड। और ये हमें किसी इंस्ट्रूमेंट सिक्योटर्स की ज़रूरत नहीं होती, हम सिंपली हाथ से भी फूलों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं। ठीक, तो हमने देख लिया जरबेरा का प्रोपोगेशन मतलब कल्टीवेशन, स्टेप देख लिए, केयर देख लिए, हार्वेस्टिंग देख ली। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।